हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रहे हैं चाट टाइप के मुगलाई पराठा। एक एक मुगलाई का जो टेस्ट है एकदम मज़ेदार होते हैं। एक बार इन चारों टाइप के मुगलाई को टेस्ट कर लिए तो हर रोज़ ब्रेकफास्ट हो या चाय के टाइम मुगलाई पराठा आप ज़रूर बनाओगे और झटपट बन के रेडी भी हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड, झटपट रेसिपी देख लेते हैं। एक बाउल के अंदर डाल देंगे एक कटोरी मैदा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक टीस्पून भर के चीनी ऐड कर देंगे, दो टेबलस्पून तेल। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद इस तरीके से मसलते हुए मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मुट्ठी बांधने पर जब इस तरीके से मुट्ठी बांधने लगे तब समझ जाइए कि मिक्सर एकदम रेडी है डो बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए डो लगाएंगे। रोटी बनाने के लिए जिस तरीके से आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा लगा लिए हैं मैंने। डो को ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब डो को 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। डो में से थोड़ा सा बड़े साइज के लुइया तोड़ लेंगे। एक पीस हाथों में लेकर इस तरीके से राउंड शेप देंगे। बचे हुए डो को ढक के साइड में रख देंगे। डो के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके पतला बेलेंगे। रोटी का थिकनेस देखिए, इस तरीके से पतला होनी चाहिए। रोटी के बीच में रख देंगे कटी हुई प्याज, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ गाजर, कटी हुई पत्ता गोभी, उबला हुआ कॉर्न, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे मैगी मसाला मैजिक। 1/2 टीस्पून मैगी मसाला मैजिक ऐड कर रही हूँ। सब्जियों के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को रोटी के ऊपर हल्का सा इस तरीके से फैला देंगे। रोटी के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाएंगे। रोटी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हल्का सा दबा देंगे। इस तरीके से रोटी के चार साइड को लॉक कर देंगे। एक पीस मुगलाई रेडी हो गए हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम गरम तेल के अंदर डाल देंगे मुगलाई। गरम तेल को पराठे के ऊपर इस तरीके से डालते जाएंगे। इससे पराठे के ऊपर का जो लेयर है वो क्रिस्पी होगा। पराठे का नीचे का कलर जब हल्का गोल्डन हो जाए तब पराठे को इस तरीके से पलट देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए पराठे को फ्राई करेंगे। पराठे को इस तरीके से उलट पलट करते हुए बढ़िया कलर आने तक फ्राई होने देंगे। पराठे के दोनों साइड बढ़िया कलर आ गए हैं। अब पराठे को तेल से बाहर निकाल लेंगे और एक पीस रोटी को भी पतला बेल लिए हैं। आपके पसंद के हिसाब से आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। जो सब्जी मैंने पहले ऐड किए थे वही सब्जी मैं वापस से ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। सब्जियों के साथ मसाले को मिक्स करने के बाद सब्जियों को हल्का इस तरीके से फैला देंगे। ऊपर से डाल देंगे ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज़। आप चाहें तो स्लाइस चीज़ से भी बना सकते हैं। रोटी के चारों तरफ हल्का सा पानी लगाएंगे। फिर से रोटी को चारों तरफ से फोल्ड करके लॉक कर देंगे। चीज वाले मुगलाई पराठा रेडी हो गए हैं। अब इसको भी फ्राई कर लेते हैं। चीज वाले मुगलाई पराठा फ्राई हो गए हैं। अब इसको तेल से बाहर निकाल लेते हैं और एक रोटी के ऊपर सारे कटे हुए सब्जी डालेंगे। ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ धनिया, उबला हुआ कॉर्न। ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैगी मसाला मैजिक,
सब्जियों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। ऐड कर देंगे एक पीस अंडा। सब्जियों के साथ अंडा को मिक्स करने के बाद सब्जियों को हल्का फैलाएंगे। रोटी के चारों साइड में पानी लगाने के बाद रोटी को फिर से चारों तरफ से फोल्ड करके लॉक कर देंगे। अंडा वाला मुगलाई पराठा को डाल देंगे तेल के अंदर। गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए इस पराठा को भी फ्राई कर लेते हैं। अंडा वाला मुगलाई पराठा फ्राई हो गए हैं। अब इस पराठा को भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। फिर से एक रोटी के ऊपर डाल देंगे कटी हुई सब्जियां। आपके पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक टीस्पून भर के सेजवान चटनी। सब्जियों के साथ सेजवान चटनी को मिक्स करने के बाद सब्जियों को हल्का सा फैलाएंगे। रोटी के चारों साइड में पानी लगाने के बाद फिर से रोटी को चारों तरफ से फोल्ड करके लॉक कर देंगे। सेजवान चटनी वाला मुगलाई पराठा को भी फ्राई कर लेते हैं। सेजवान चटनी वाला मुगलाई पराठा भी फ्राई हो गए हैं। अब तेल से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर चाट टाइप के मुगलाई पराठा आप घर में बना सकते हैं। चीज वाले मुगलाई पराठा को मैं काट के दिखाती हूँ। देखिए चीज जो है कितने बढ़िया तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। एक बार इस तरीके से मुगलाई पराठा को घर में जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा टाइप के मुगलाई पराठा ज़्यादा पसंद आए हैं। खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।